अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक्चुअली रमज़ान की आज पहली सहरी थी और हम लोगों ने सब सहरी कर ली है बराबर। मम्मी आ रहे हैं कि नहीं कैमरे में? आ रहे हैं ना। तो एक्चुअली मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत चिढ़ा हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। मम्मी है ना? जी जी। अब तो बोलिए ना आगे कुछ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अस्सलाम वालेकुम गाइस, अदनान की मम्मी। और सच्ची में आज पहली सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। हो गई है। और मम्मी बोलिए कुछ। लोग चाहते थे कि मेरा चैनल देखे, मतलब खुले और आपको देखे, मिले, बातचीत, पता नहीं क्या। और मम्मी के साथ वीडियो बनाऊं फेस पे। अदनान की मम्मी अदनान ने मतलब मुझे कैमरे फेस करने को कहा आपकी रिक्वेस्ट पे, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बेटे को ऐसी प्यार देते रहिए। हाँ, और मम्मी मुझे जबरदस्ती कर रहे थे कि रोटी खा रोटी खा। मेरे छोटे भाई को भी जबरदस्ती कर रहे, रोटी खा, दही के साथ रोटी खा, रोटी खा, रोटी खा, रोटी खा। मतलब सीन ऐसा है, ब्राउन फैमिलीज है, ऑल नो अबाउट दैट थिंग कि खाने के लिए फोर्सिंग होती है घर में कि खाओ 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 खाओ। इवन बच्चे लोग बोल रहे हैं कि नहीं खाना है, तो ये सबके घर में होता है। जिसके घर में होता है मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ भाई अंदर भाई हमारे भी घर में सेम सीन है, सेम सीन है। और वो मैं इसे खाना खाने रोटी के लिए बोली थी क्योंकि दिन भर का रोज़ा है। इस तरह बच्चे को अभी काम पे जाएंगा, बिल्कुल इस ना हो। मैंने अभी ताज़ी ताज़ी रोटी बनाई है, लेकिन पता नहीं इसका आज मूड ठीक नहीं था, इसलिए सुबह सुबह, मतलब सुबह देखा जाए, रात देखा जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब 4:30 बजे उठा हूँ मैं और खाना है कुछ तो नहीं खाया जाता ऐसा। बल्कि आज का पहला दिन था तो होता है लोगों के साथ। और अभी नमाज का टाइम हो चुका है, ऊपर से मुझे घी की रोटी खिला रहे थे। मतलब सुबह सुबह मैं वो घी और तेल टाइप, मतलब चिकना चिकना नहीं मम्मी यार, वो ज़्यादा नहीं होता। मैं किसको भी नहीं खिलाया और फिलहाल भी नमाज जाते हैं क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट वक्त हो चुका है। और चलिए फिर आपको नमाज के बाद, एक्चुअली मैं नमाज फिर कुरान फिर देख के कुछ टाइम थोड़ा आराम करके फिर सो जाऊंगा क्योंकि मुझे सुबह उठ के काम पर जाना है। और मेरा भाई तो अभी 7 बजे की शिफ्ट है भाईजान की, माशाल्लाह। तो देखते हैं कैसा सबके सबकी फाइट, सबके यू नो हसल अलग है, सबकी रूटीन चेंज है। बच्चा देखो, अभी मेरा छोटा वाला भी लड़का वो 7 बजे जाएगा, 7 बजे जाएगा। मैं भी यही बोला मम्मी को, मम्मी भी यही बोला। तो चलिए मिलते हैं, बाय गाइस। बाकी का मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक्चुअली सबके रोज़े शुरू होने वाले, तो एक टिप दे देता हूँ मैं कि रोज़ा ना लगे आपको। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो वायरल कर दो। वायरल कर दो मतलब फैमिली उसमें दोस्तों में शेयर करो। और खजूर और पानी साथ में खाया करो तो उससे आपको रोज़ा नहीं लगता है। बाकी का मुझको अभी जाना है और वजू वजू करके तैयार होना है नमाज के लिए। चलिए एक नंबर, माशाल्लाह अच्छी बात है। नमाज का टाइम है, 5:40 की जमात है, नंबर तो 5:40 की अजान है। 20 मिनट का भी वो लगा, 15 मिनट की जमात, 6 बजे की जमात है ना, मे भी 5:40 की अजान है, 5:40 की तो अजान है। एक्चुअली हो चुकी है यहाँ पे भी शायरी। और सखी भाई गए ऊपर है, नमाज का इरादा है भाई, सक्कू का भी इरादा है। अभी नमाज के लिए बहुत टाइम है, मैं बाद में दिखाता हूँ नमाज से। इधर कौन है? कौन है? मम्मी है। तो अभी नमाज के बाद दिखाता हूँ मैं, मेरे को शकल में के साथ। मेरे बेटी को आप इतनी प्यार देते रहिए, ये चालू हो गया इनका। और मैं मुझको शकल में को कैप्चर करना है बिकॉज सबको यार, सबको है अपना यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्चुअली नमाज पढ़ ली हम लोग ने, माशाल्लाह साथी की भी हो गई है। सकलेन भाई वक्त पर आ गए, ये दिखा ना। बंद करना है और टाइम कितना हो रहा है, मतलब ये कटिंग बिक रहे हैं एक्चुअली सीन। टाइम कितना हो रहा है यहाँ, 1 मिनट सकलेन भाई हो रहे हैं 6:03। हाँ तो गाइस हम लोग ने नमाज पढ़ ली है और माशाल्लाह सबको नहीं दिखा सकते व्लॉग में, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग की जमात छूटी है तो मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लगा। उस वजह से मेरा छोटा भाई भी था, कैफ भी था, तो और अच्छा नहीं लगा। बोलता हुआ वक्त पहुँच जाया करो, बेहतर रहता है। हाँ नमाज को हमेशा
नमाज के वक्त से पहले ही पहुंचो तो ज़्यादा बेहतर है। बट अभी अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम 4:50 कर, अगर 4:51 को जाके अल्लाह अकबर कैसे चलेगा, कैसा चलेगा? 10 मिनट पहले अगर अल्लाह के लिए बैठ जाएगा, अल्लाह तो खुश, अल्लाह खुश, आप खुश, खुश फिर कभी बिंदे दिल मिस्र यहाँ में सुबह में देगा। इस सोना है अभी सबसे पहले कुरान पढ़ना है मेरे को अभी। हाँ अभी पढ़ेंगे ना। मैं तो सो जाऊँगा कल जोर में, मैं तो कुरान भाई कुरान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि गाइस, एक्चुअली जोहर पढ़ लिया है मैंने, कुरान पढ़ लिया है मैंने और वीडियो भी अपलोड कर दिए। बाकी वीडियो अपलोड करते 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 मुझे इतना टाइम हो गया कि 4 बज गए। और प्रॉब्लम ये है, मेरे पास एक टास्क है, मुझे फिर से जाना है कहाँ मनीष, दहीसर जाना है फॉर सम लिटिल वर्क, तो कुछ चेंज करना है और भी मुझे काम है। तो मसला ये है कि 4 बजे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, मुझे असर भी पढ़नी है और मेरे को रिटर्न भी आके यहाँ रोज़ा भी खोलना है। बट डर लग रहा है कि कभी लेट हो गए तो फिर यू नो प्रॉब्लम हो जाएगी, रोज़ा मुझे रास्ते में खोलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने खजूर ले लिया है, खजूर ले लिया। जब भी आप ट्रैवल करो, सफ़र करो तो आप रोज़ा हो तो खजूर या एक यू नो पानी की बोतल या कुछ ऐसा कुछ साथ में रखे जो आप खा सके, आपका रोज़ा मकरूह ना हो जब वक्त हो जाए। तो अभी चलते हैं, टास्क है भाई, टास्क, बहुत टेंशन है। तो गाइस हम लोग यहाँ रुक गए, कहाँ रुके अपन? कांदीवली में रुक गए एक्चुअली। ज़रा एक्चुअली मनीष को लगी थी भूख और भजिए पाव भाई खाने लगा, भूख लग गई, इसको भूख लग गई थी। और इन लोग का संजय का ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर लोगों को खाना नहीं मिले ना तो बेचारे लोग का दिमाग नहीं चलता है, काम करता, और इन लोग के हाथ पैर नहीं उठते हैं भाई। कोई नहीं, अभी यहाँ से 20 नहीं तो 25 मिनट का रास्ता है, देखते हैं वहाँ पहुँच के, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, पहुँचते हैं। हाँ डन, हाँ डन, चलो। कितना हो भैया? अंकल भी हंस रहे हैं ना। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। अच्छा लगा तेरे को? अच्छा लगा एकदम। चलो तो सीन ऐसा है गाइस, मैं पहुँच तो गया हूँ बट सुल्तान बहुत लेट करता है यार, मुझको इसके काम नहीं जम रहे आजकल भाई। कोई नहीं, मैं अभी उसको चौथी बार फ़ोन लगा के बोलो कि बिल भेज दे मुझे, मुझे रिटर्न करना है कपड़े। और लोग 7 दिन का कुछ प्रोग्रेस था कि 7 दिन के अंदर होंगे कपड़े और मैं 3 या 4 दिन के बाद आ रहा हूँ, तो मे भी हो जाए, लेट्स सी, देखते क्या है। और जैसी भाईजान को चप्पल चाहिए थी वैसी तो नहीं है यार। मनीष को कुछ नहीं सोच रहा है, मनीष को सिर्फ भूख लगी है ना मनीष? नहीं भाई ऐसा नहीं है यार, बाकी भूख से याद आया, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी ना समोसे की। अरे भाई समोसे की, बिरयानी की, पुलाव की, ओ बट क्या है, रोजा है ना अपन, सामने मेरे क्या दिख रहा है मेरे को मालूम? खाने की चीज दिख रही है भाई के पेट में। मैंने इतनी बात कर ली है ना, इतनी बात कर ली है कि मेरा गला सूख गया है मालूम, लिटरली। और मैं यूजुअली बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। भाई ने बिल भेजा है, भाई ने बिल भेजा है, तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते देखते क्या है ये समाज। एक्चुअली गाइस सीन ऐसा है कि मेरी बहुत भैंस हुई है, बहुत झगड़े होने वाले थे, बाकी मैंने थोड़ा गुस्से को कंट्रोल किया, थोड़ा यू नो मामला हालात समझने की कोशिश किया। और मुझे पता चला कि ऑफ़र में कपड़े नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऑफ़र में अगर आप कपड़े उठाते हो तो भाई रिटर्न होने वाला कुछ स्कैम नहीं होता है, ये बहुत स्कैम है, मेरी जान चढ़ी हुई सुल्तान पे। और मैंने एक कपड़ा चेंज किया तो शी टोल्ड मी कि आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं एग्री हुआ। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मैं बिना पूछे भाईजान का कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर मैंने वो डील कैंसिल करी। फिर ओटीपी उनने कहा था मुझे 2 OTP आएंगे, बट टोटल हम लोग ने OTP में खेला 5 बार, तो उसमें सुल्तान भी चिढ़ा, मैं भी चिढ़ा। और खुशखबरी की बात बोलूँ या दुख की बात बोलूँ, मेरा रोज़ा रस्ते में ही होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरी जान चिढ़ी हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बट इन्नल्लाह मासाबी मैं देखता हूँ अभी क्या है, मूड ख़राब है बस। बट नमाज़ पढ़ा और थोड़ा मुँह हाथ पे पानी डाला ना तो थोड़ा मेरा गुस्सा शांत हुआ। और फिर फिलहाल देखते आगे बताता हूँ मैं आपको, क्या ही बताऊँ, लगे पड़े। हाँ तो गाइस ले लिए चप्पल विप्पल, ले लिए, हो गया, यूजुअली बहुत लेट है ये हमारा। इसके बाद में लोगों हम लोग को पहुँच कितना टाइम हो गया, कितने बज रहे? 6:30 बज रहे। और मुझको पता है कि मेरा रोज़ा बाहर खुलने वाला था, तो अच्छा मैं प्रिपेयर रहा, क्योंकि किसी के भरोसे पे रहना अच्छी बात नहीं है। खजूर है इसमें, खजूर में खा सकता हूँ, बाकी यूजुअली ट्रैफिक बहुत होती है। और माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि
फट्टे में और फट्टे है, फट्टे में और फट्टा है ढोल। तो ऐसी हालत हो गई है, मैं बहुत लेट हूँ, बहुत लेट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी मैं सीधा रास्ते में खोलते हुए खजूर खाते हुए क्लिप बताऊँ, मुझको ऐसा लग रहा है। और पहला रोज़ा यार घर में हो, फैमिलीज के साथ हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, भले दस्तरखान पे खाना कम रहे खाना नहीं रहे, बाकी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आती है। और मैं लेट हूँ तो चलिए चलते हैं। माशाल्लाह मैं बाइक के साथ भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ, आई हैव सो मच टैलेंट यू नो राइट नाउ इन माई हैंड्स। और मैं लेट हूँ बहुत, मतलब एक घंटा है मुझे पहुँचने में, फिर मुझे बैंडा भी जाना है, तरावी पढ़नी है, शॉपिंग कर ली, कुछ नहीं करे हम लोग ने शॉपिंग विपिंग, ये शॉपिंग के चक्कर में वाट लग गई है, क्या ट्रैफिक है ब्रो, खत्म 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 खत्म, बहुत गंदी ट्रैफिक है, बहुत गंदी ट्रैफिक है, शिट धूल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और अजान हो चुकी है और मैं पहुंचा हूँ। एक मिनट पकड़िए मनीष, ऐसा ही पकड़, जरा ऐसा ही पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अजान हो चुकी है और हम लोग पहुँचे हैं बैक रोड। मनीष कैसा पकाया? अरे भाई पूछो मत यार, कितना टाइम लगा हम सबको, मैं सिर्फ गाड़ी मंगाया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आँखों में इतना कचरा गया है, इतनी धूल गई है, आँख सिर्फ रो रही थी क्योंकि भगा रहा था मैं गाड़ी। भाई मैं इतनी तेज गाड़ी पे आज तक बैठा ही नहीं, जितना तेज भाई ने, अगर मैं भगा ही नहीं होता ना तो मैं बैक रोड तक भी नहीं पहुँच पाया होता। अब बंगलो यहाँ से सिर्फ पहले मनीष ले रहा है पकड़, अरे ले खाना, दुआ पढ़ लो, हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ खजूर साथ में लेके चलो सफ़र के टाइम पे, वो खुल के जा रहा उसको फेंको मत कहीं, अच्छी जगह झाड़ भी में डालो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी घर जाके खाता हूँ ठीक है। और मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा रहेगा कि मैं किस मोड पे किस जोन में हूँ अभी, बट अभी फिलहाल के लिए बाय टाटा करता हूँ, घर जाके कुछ खाना है मुझे। माशाल्लाह घर पहुँचते साथ ही इतना सब कुछ है ना, मैं सबसे पहले कलिंगर डालूँगा। एक्चुअली ये कुक है हमारे घर के, ये स्पेशली आविश भाई का खाना बनाते हैं डाइट का और स्टाफ लोग का, एंड कलिंगर बहुत प्यारा है। मनीष भी बैठा है, कोई ज़रा पकड़ लो यार, संभाल के पकड़ना, हाथ भी नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह मज़ा आ गई, रोज़ा भी वक्त पे खुला, मतलब एक मिनट की दूरी पे था मैं सिर्फ घर से, और वहीं खोल दिया क्योंकि अजान हो चुकी थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरा रोज़ा यू नो ऐसा वैसा हो जाए। और मनीष कैसा लगा आज का दिन मेरे साथ रह के? अच्छा तो बहुत लगा मगर क्या बता सकते हैं, ये पीछे बैठा था इसको नहीं मालूम, बाकी गाड़ी मैं चला रहा था और कंट्रोल मेरे हाथ में था, जब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो आई नो दैट कि ब्रेक नहीं लग रहे और गाड़ी टूटनी है, बट वो मैंने कैसे कैसे करके हैंडल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से पहुंच गए और सबके रमज़ान अच्छे से जाए, अच्छे से जाए और सब अपनी फैमिली के साथ खोले, सबके खानों में बरकत, सब बरकत का महीना है, तो मिलते हैं अभी। और एक और एक बात, इधर आओ इधर आओ, एक और एक बात, और ये कहानी से क्या पता चलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप सुल्तान ना बनिए, आप सुल्तान ना बनिए, क्योंकि अगर आप सेल में कपड़े उठाओगे तो यही हाल होगा, समझ रहे हो, सेल में अगर कपड़े उठाते भी हो तो ऐसी नौबत नहीं है कि आपको रिटर्न करना पड़े या फिर आपको साइज नहीं आ रही हो, तो जस्ट यू नो बी फोकस कि अगर आप सेल में कपड़े उठा रहे हो तो आप सुल्तान ना बनो, तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप सुल्तान ना बनो, सुल्तान
कसम से स्वेयर बॉस लव यू, कुछ नहीं बोलना है तुझे। चलो बस अभी मैं रोजा खोल लूँ तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। अभी मैं यहाँ से मेरे घर इफ्तारी करके बैंड्रा, फिर ईशा, फिर तरावी, पूरी रोटी। तो बाय बाय गाइस, शेयर करें, लाइक, इधर आओ सब, आओ सब, आओ। वेट 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 वेट। तो याद से सब बोलो ना, लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, और लाइक कीजिए। सब मच्छी मार्केट वाले सब मेरे पीछे रिपीट करना, लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट से भर दो सब कुछ। बाय बाय बाय।